प्रश्न है, वर्ष 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में निम्नलिखित में से किनके द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई, जहां पर पंडित सुंदरलाल शर्मा भी भाग लेने गए थे और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने ही पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी इस अधिवेशन। तो इसका आंसर होगा, वो होगा आपका सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग नगर पालिका में आग लगाने की घटना को अंजाम किसने दिया? 28 अगस्त 1942 को दुर्ग के कचहरी में आग लगाए थे रघुनंदन सिंगरौल। वहीं 5 सितंबर 1942 को दुर्ग नगर पालिका में आग लगा दिए थे वही रघुनंदन सिंगरौल। तो आंसर होगा क्या, सी, रघुनंदन सिंगरौल। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है, यदि ए का 33 सही 1/3% बराबर बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। जब कभी भी अनुपात के चैप्टर में आपको डेटा बराबर में दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, बराबर में के मान लेंगे, ये होता है आपका के नियम। तो देखिए ए का 33 सही 1/3% को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये होगा 100/3% और प्रतिशत हटाऊंगा तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। तो यहां देखिए कितना आ गया, ए इंटू 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 बराबर बी का 1.5 1.5 को 15/10 लिख दिया, सी का 1/8 का मतलब बुरा होता है, आपने बोर्ड मास में पढ़ा होगा। सिंप्लीफाई करूंगा, ए को के के पद में निकालूंगा तो ए की वैल्यू 3k, बी की वैल्यू 2k/3 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 8k। चाहिए आपको ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए की वैल्यू 3k, बी की वैल्यू 2k/3 और सी की वैल्यू 8k। के के और के को कैंसिल कर दीजिए, कितना आया 3:2/3:8। आपको पता है अनुपात का आंसर कभी भी भिन्न संख्या के रूप में नहीं होता, तो इसको आप पूर्ण संख्या के रूप में चेंज कर दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 1 से 3 को भाग देंगे 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 3 से 3 को भाग देंगे 1, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, 1 से 3 को भाग देंगे 3, 3 का 8 में गुणा करेंगे 24। तो आंसर कितना आ गया, 9:2:24। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, देखिए 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, यदि 4 लीटर मिश्रण निकाल कर इतना ही दूध मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। एक बात समझेंगे, 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें अनुपात 5:3 है, अगर 4 लीटर मिश्रण में निकाल दूं तो कितना बचा मिश्रण, 16 लीटर बचा। इस 16 लीटर मिश्रण में भी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, 5:3 होगा। ये बात समझ पा रहे हैं। अब यहां से निकाल दीजिए दूध कितना है, तो देखिए दूध की मात्रा कितनी, 5/8 × 16 मतलब कितना लीटर दूध हो गया, 10 लीटर, और पानी कितना हो गया देखिए 3/8 × 16 8 × 16 = 6 लीटर, मतलब इस 16 लीटर मिश्रण में 10 लीटर दूध है और 6 लीटर पानी है, 4 लीटर मिश्रण निकाल कर इतना ही दूध मिला दिया जाता है। अब देखिए पहले 10 लीटर दूध था, इसमें 4 लीटर दूध और मिला दिए, पानी कितना है 6 ही रहेगा, तो 14/6 मतलब अनुपात कितना आ गया, 7:3 आ गया। अगला प्रश्न लिखा है, सुदेश बांधव समिति के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर लिखा है इसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा की गई है। दूसरा लिखे क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा एक संगठन है। जी हाँ बिल्कुल, सुदेश बांधव समिति क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ समिति है। इसके जो संस्थापक है वो अश्विनी कुमार दत्त होते हैं और यहाँ पर भूपेंद्र नाथ दत्त याद रखेगा किससे संबंधित है, तो अनुशीलन समिति के सदस्य हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा केवल 2। फिर बढ़ते हैं आगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा उस समय गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड कार्नवालिस। याद रखिएगा इसी युद्ध के बाद श्री रंगपट्टनम की संधि होती है जिसके तहत टीपू सुल्तान जी को अपना आधा क्षेत्र अंग्रेज और उनके सहयोगी में बांटना पड़ता है तथा 3 करोड़ रुपए का हर्जाना भी देना पड़ता है ब्रिटिश सरकार को। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न था, ईट शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तो यहां पर जो इष्टिका शब्द है ये प्रयुक्त होता है किसके लिए, ईट के लिए। संस्कृत में ईट को क्या कहा जाता है,
इष्टिका कहा जाता है। ठीक है, तो ईट शब्द का तत्सम शब्द क्या हो गया आपका, इष्टिका हो गया। ईट जो शब्द है इसमें बड़ा ई होता है जबकि इष्टिका में छोटा ई होता है, अर्थात ये छोटा ई उच्चारण में परिवर्तित होते होते क्या हो गया, बड़ा ई हो गया है। यही शब्दों का तद्भव होना है। कौन सी रचना छत्तीसगढ़ का दर्पण कहलाती है? आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक वैभव, छत्तीसगढ़ ज्ञानकोश, छत्तीसगढ़ ही सुराज और छत्तीसगढ़ ही संस्कृति और विभूतियां। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का दर्पण के नाम से जाना जाता है किसको, छत्तीसगढ़ ही सुराज नामक पुस्तक को। खुले पासा में एक सीधी रेखा में चलने पर बीच वाले बॉक्स को छोड़कर उसके अगल बगल वाले एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखिए, मैं एक सीधी रेखा में चलूंगा ऐसा, तो बीच वाले को छोड़ दीजिए तो उसके अगल बगल वाले मतलब दो और चार क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत। चार को छोड़ दिया तो तीन और पांच क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत। तो बचा हुआ भी क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। इसका मतलब दो और चार एक दूसरे के विपरीत, तीन और पांच एक दूसरे के विपरीत, एक और छह एक दूसरे के विपरीत। अब देख लीजिए, पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है इसमें आप देख पा रहे हैं तीन और पांच क्या है, अगल बगल है, जबकि होने कैसे चाहिए, विपरीत। यहाँ पे देखिए छह और एक अगल बगल है, होने कैसे चाहिए, विपरीत। यहाँ पे तीन और पांच अगल बगल है, इसमें देखेंगे छह तीन चार, ये देखिए छह तीन चार मतलब ये हो सकता है।